हैम्बर्ग दुनिया के लिए जर्मनी का रास्ता। रोजाना बड़े बड़े जहाज यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत की सेवा में यहां आकर रुकते हैं। यह हर साल लाखों कंटेनर लाते ले जाते हैं। इनमें हर तीन में से एक कंटेनर या तो चीन से आ रहा होता है या चीन को जा रहा होता है। चीन जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। हैम्बर्ग में तो दोनों के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि चीनी सरकार के मालिकाना हक वाली एक शिपिंग कंपनी ने इस टर्मिनल पर हिस्सेदारी भी खरीदी है। ये कहानी बताती है कि कैसे जर्मनी ने चीन के साथ व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाई और कैसे ये किसी भी पश्चिमी ताकत से ज्यादा चीनी हुकूमत के करीब पहुंचा। पर इस सब के बाद यही सवाल है कि क्या ये फैसला सही था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरपरस्ती में चीन तानाशाही वाला देश बन गया है जो पश्चिम की ताकत और मूल्यों को चुनौती दे रहा है। चीन न सिर्फ विकसित हो रहा है बल्कि धीरे धीरे निरंकुश शासन का प्रसार भी कर रहा है। ये लोकतंत्र में हमारे भरोसे और मानवाधिकारों के खिलाफ है। शासन प्रणालियों के इस संघर्ष में अमेरिका पश्चिम को लोकतंत्र के पक्ष में लामबंद कर रहा है जो इस सदी में निर्णायक होगा। कई चाहते हैं कि जर्मनी इसमें शामिल हो। जर्मनी की आम जनता से लेकर यूरोप के बाहर इसके प्रमुख सहयोगियों तक जर्मनी पर सख्त रवैया अपनाने का दबाव डालेंगे। पर क्या जर्मनी वाकई चीन से टकराव में सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार है? अब जर्मनी की नई सरकार के सामने एक दुविधा है। क्या उन्हें आर्थिक फायदा उठाते रहना चाहिए या इसे दोबारा सोचने की जरूरत है? मुझे बहुत उम्मीद है कि एक देश के तौर पर हम रणनीतिक रूप से अहम भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे चिंता ये है कि शायद ये तेजी से ना हो पाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्मनी चीन के साथ इतना कैसे उलझ गया और कैसे बीते कुछ वर्षों में पता चला है कि जर्मनी का असल में किससे पाला पड़ा है। हम परखेंगे कि जर्मनी की कमान संभालने वाली नई टीम क्या नई शुरुआत करना चाहती है। बीजिंग में देर रात, जर्मनी की नई नेता आंगेला मार्कल बतौर चांसलर चीन की धरती पर पहली बार कदम रखती हैं। साल 2006, उनका एक महत्वपूर्ण मेहमान की तरह धूमधाम से स्वागत हुआ, लेकिन तब वो कहां जानती थी कि चीन उनके लिए कितना अहम बन जाएगा। मार्कल की पहली यात्रा की कवरेज देखना बड़ा दिलचस्प था। याद रखिए कि वो बड़ा बदलाव थी। वो महिला थीं और उन्होंने खुद से 10 साल बड़े पुरुष की जगह ली थी। उनकी छवि ताजी थी और कभी कभी वो हल्के फुल्के मूड में भी नजर आती थीं। लेकिन मार्कल के एक पैगाम का वहां बहुत स्वागत नहीं हुआ था। उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए मानवाधिकारों पर खुलकर बात की थी। मुझे लगता है कि भविष्य की बैठकों में मानवाधिकारों पर बात करते रहेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत में सहजता बढ़ रही है, हालांकि विचारों में स्वाभाविक तौर पर भिन्नता है। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि हम इन्हें रफा दफा करने के बजाय इन पर खुलकर बात करें। लेकिन वो टकराव नहीं चाहती थीं। जब वो संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत में खुलापन बढ़ने की बात कह रही थीं, तो उनकी आवाज में उम्मीद महसूस की जा सकती थी। वो उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही थीं, जिसकी सफलता की उम्मीद पश्चिम में बहुतों को थी। इसी दौरे पर उन्होंने शंघाई में जर्मनी के बड़े कारोबारियों के सामने यही बात खुलकर कही थी। इसका कोई वीडियो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन लिखित तौर पर ये बात जरूर दर्ज है। हम चीन में न सिर्फ सिविल सोसाइटी के विकास पर नजर रखेंगे, बल्कि अलग अलग तरीकों से बातचीत करके इसे ज्यादा खुलेपन और ज्यादा आजादी की दिशा में विकसित करने का प्रयास करेंगे। जर्मनी में इसके लिए एक कहावत है, वांडेल दुर्श हांडेल, यानी कारोबार के जरिए बदलाव। इसके पीछे सोच ये है कि चीन जैसे देश के साथ बातचीत और व्यापार करके इसे राजनीतिक रूप से उदार होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बर्लिन में मार्कल ने जल्दी ही ये प्रयोग किया भी। सत्ता में आने के दूसरे साल मार्कल ने चांसलर कार्यालय में दलाई लामा की मेजबानी की। निर्वासित तिब्बती नेता को खतरनाक अलगाववादी के रूप में देखने वाले चीन के लिए ये कदम हद पार करने जैसा था। ये मीटिंग एक अहम मोड़ साबित हुई। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जर्मनी से 6 महीने तक बात नहीं की।
नोआ बार्किन को यह वाकया अच्छी तरह याद है। उन्होंने बतौर रिपोर्टर यह मीटिंग कवर की थी। अब वो जर्मनी चीन रिश्तों के बड़े विश्लेषकों में से एक हैं। तो बिल्कुल शुरुआत में मर्केल मानवाधिकारों के प्रति अपने समर्थन का संदेश देना चाहती थी, लेकिन चीन ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे मर्केल को अपना तरीका बदलना पड़ा। इस रिश्ते को दोबारा पटरी पर लाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसका ये मतलब नहीं था कि मर्केल मानवाधिकार के मुद्दों से पीछे हट गई थी। चीन से मतभेद रखने वाले आई वेवे जैसे कुछ खास असंतुष्टों को जर्मनी में शरण मिलने वाली थी। लेकिन दलाई लामा की बैठक या ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई। मर्केल चीन की सीमाएं समझ चुकी थी और उन्होंने उसे दोबारा कभी नहीं लांघा। जल्द ही जर्मनी को चीन की अभूतपूर्व जरूरत पड़ने वाली थी। 2008 में आए आर्थिक संकट ने पश्चिमी देशों को घुटनों पर ला दिया। यूरोप में सभी देश दिवालिया होने के कगार पर थे। बैंकों, नेताओं, बल्कि पूरे सिस्टम के ही खिलाफ गुस्सा था। सबसे बड़ा डर यही था कि यूरोप की इकलौती मुद्रा यूरो ढह सकती है। मर्केल इस संकट के केंद्र में थी। जर्मनी की आर्थिक ताकत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुद्रा तो बचाए रखी, लेकिन उन्हें मदद की दरकार थी। जब यूरोप की सांस अटकी थी, तब मर्केल को विकास का नया स्रोत चाहिए था। उन्हें पता था कि ये कहां मिलेगा। जब यूरोप की सभी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थीं, तब चीन वाकई जर्मनी की अर्थव्यवस्था का सहारा बना। चीनी अर्थव्यवस्था पर इस संकट का बहुत असर नहीं पड़ा। इसने तेज वापसी करते हुए ऐसी दर से वृद्धि की जिसकी पश्चिम सिर्फ कल्पना कर सकता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, और चीन के पास यूरोप में खर्च करने के लिए भी पैसा था। चीन ने ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों की भी मदद की जो कर्ज से जूझ रहे थे। चीन ने उन यूरोपीय देशों का कर्ज भी खरीद लिया जो इस संकट के दौरान बहुत परेशानी में थे। आगे चलकर चीन ने कर्ज चुकाने में ग्रीस की मदद करने के लिए इसके पायरियस बंदरगाह जैसी बड़ी संपत्तियां खरीद ली। चीन के लिए यह शानदार सौदा था। चीन भविष्य में इसे रणनीतिक आधार बनाना चाहता था। और इधर चीन में भी एक उभरता मध्यम वर्ग खरीदारी में जुटा था। जर्मन उद्योगों के लिए रास्ता साफ था। फॉक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियां तैयार तो पहले से थीं, अब तो कदम बढ़ाने का वक्त था। तो मर्केल ने ऐसा ही किया। चीनी नेताओं के साथ बैठकें सौदेबाजी का मंच बन गईं। कैथरीन क्लूवर एशब्रुक जर्मनी के सबसे प्रभावशाली थिंक टैंक में से एक चलाती हैं। वो बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों के साथ चीन जाती थीं। इनमें अहम सौदों के साथ लौटना निहित होता था। अपनी समझ से वो हमेशा ये मानती थीं कि चीन के साथ निजी वार्ता में आर्थिक नीति को शीर्ष पर रखना देश के हित में उनकी जिम्मेदारी है। जर्मनी के नजरिए से इसका मकसद धीरे धीरे एक बहुत कीमती चीज बनाना था, भरोसा। मुझे लगता है कि इसने चीन के प्रति मर्केल का नजरिया प्रभावित किया। यूरो संकट के दौरान चीन, जर्मनी और यूरोप के साथ खड़ा था, और मुझे लगता है कि मर्केल ये कभी नहीं भूली। ये इस बढ़ते भरोसे का ही प्रतीक था कि 2011 में मर्केल ने जर्मनी और चीन के बीच सीधे सरकारों के बीच होने वाली नियमित बातचीत स्थापित की, जो अमूमन सिर्फ करीबी सहयोगियों के लिए होती है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से सब चौकस था। हैम्बर्ग में कारोबार दो तरफा फल फूल रहा था। जल्द ही यह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा भी बन गया। एक्सेल मार्टिन बंदरगाह की मार्केटिंग के प्रमुख हैं। हम शुरुआत से ही बेल्ट एंड रोड परियोजना में भागीदार हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसी परियोजना में कैसे योगदान दे सकते हैं। हैम्बर्ग बंदरगाह के लिए इस परियोजना का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है। चीन के लिए इस व्यापार और निवेश के पीछे
अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीक विकसित करने के गहरे रणनीतिक मायने थे। अगर आप तीन बड़े उद्योग देखें जिनमें जर्मनी आर्थिक रूप से सबसे आगे है, तो ये है मशीनें बनाना, गाड़ियां बनाना और निश्चित तौर पर जलवायु से जुड़ी तकनीक। चीन ये तीनों चाहता था। वो नई खोजों की ऐसी क्षमता चाहता था जिसके शोध और विकास में जर्मनी मददगार साबित हो सकता था। जर्मनी के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान भी इस बारात में शामिल हो गए। विज्ञान और तकनीक की साझेदारी में बहुत अवसर थे। मर्केल का तरीका कारगर होता दिख रहा था। चीन से गठजोड़ चमत्कारी दवा साबित हो रहा था जो यूरो संकट का इलाज कर रहा था। झटके में जर्मनी की अर्थव्यवस्था को दुनिया में गतिशील बना देना, भरोसा कायम करना, चीन पूरी तरह इसमें शामिल था। क्या ही गलत हो सकता था। हांगकांग 2019। चीन के सबसे वैश्विक शहर में कोहराम मच जाता है। हांगकांग के युवा अपनी आजादी खतरे में डालने वाले चीन के नए प्रत्यर्पण कानून का विरोध कर रहे हैं। इस घटना को फीबी कॉन्ग ने डॉयचे वेले के लिए कवर किया। करीब 20 लाख प्रदर्शनकारियों ने प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन व्यापक लोकतंत्र और आजादी की मांग और पुलिस बर्बरता के खिलाफ असंतोष जताने के संघर्ष में बदल गया। ये चीजें इकट्ठी होती गईं और फिर लोगों का गुस्सा भयानक रूप से फूट पड़ा। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों से चीन का संकल्प और पुख्ता ही हुआ। चीन ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया, साथ में और ज्यादा कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी ला दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को यकीनन हांगकांग के इतिहास में निर्णायक माना जाता है। हमने कई एक्टिविस्टों और नेताओं पर मुकदमे चलने के उदाहरण देखे। लोग बहुत चिंता में हैं कि हांगकांग को बाकी चीन से खासतौर से अलग करने वाली स्वतंत्र न्यायपालिका भी एक तरह से बेदम हो गई। यही वे बहुत बड़े बदलाव हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद देखने को मिले हैं। इस तरह चीन ने 1997 में ब्रिटेन से हांगकांग लेते समय किए अपने वादे सीधे सीधे तोड़ दिए। जर्मन सरकार के लिए चौंका देने वाली घटना थी। इससे लगा कि इतने वक्त से जो भरोसा बनाया जा रहा था वो खोसा गया है। इस घटना ने वांडेल दुर्श हांडेल के उस पूरे विचार को ही धता बता दिया जिसकी हमने पहले बात की थी। चीन को राजनीतिक रूप से उदार बनाने के लिए उसके साथ बातचीत करने का विचार सब कुछ संदेह में तब्दील हो गया। सच्चाई तो ये है कि चेतावनियां दूर से ही दिख रही थीं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरपरस्ती में चीन और ताकतवर और महत्वाकांक्षी और कहीं ज्यादा क्रूर बन रहा था। जैसे चीन के सुदूर शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सामूहिक उत्पीड़न के सबूत सामने आए, यातना शिविर, जबरन मजदूरी और मान्यताओं की सफाई, अमेरिका ने इसे नरसंहार करार दिया। चीन दक्षिण चीन सागर में दूर बसे द्वीपों का सैनिकरण कर रहा था। इसके जरिए वो अहम समुद्री रास्तों पर नियंत्रण और पड़ोसियों को उनके ही इलाकों में धमकाने की कोशिश कर रहा था। चीन की थल सेना पश्चिम की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित नई मिसाइल तकनीक के साथ नाटकीय रूप से विस्तार कर रही थी। इसकी नौसेना अमेरिका से भी बड़ी हो रही थी। इसने ताइवान के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर दिया था। चीन ने इस द्वीप के आसपास के आसमानी इलाके में अपने सैन्य जहाज भेजे जिससे इस डर को बल मिला कि चीन एक दिन ताकत के बल पर ताइवान पर कब्जा कर सकता है। दमन, यातना शिविर, विस्तारवाद, युद्ध की धमकियां, ये वो चीन नहीं था जिसकी एंगेला मर्केल उम्मीद कर रही थी। लेकिन इस रिश्ते के आर्थिक पहलू का क्या, अब तो ये भी सवालों के घेरे में है। इतने कारोबार के बावजूद जर्मन और पश्चिमी कंपनियां शिकायत करती हैं कि उन्हें चीन के विशाल बाजार में उचित पहुंच नहीं मिलती है। इन समस्याओं को यॉर्ग वुडके से बेहतर कोई नहीं जानता। वो बीजिंग में यूरोपीय संघ के व्यापार मंडल के प्रमुख हैं।
20 साल पहले हमने बाजार में जिस पहुंच की उम्मीद की थी वो कुछ हद तो मिली है, लेकिन तमाम क्षेत्र अब भी बंद है। सितंबर में हम 430 पन्नों का एक पोजीशन पेपर लाए थे जिसमें चीनी सरकार से 930 सिफारिशें की गई थीं। इससे आप इस समस्या का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर कई चीनी फर्मों को सब्सिडी मिलती है जिनमें से कई सरकार के स्वामित्व वाले हैं। इससे दोहरा झटका लगता है, इनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। दरअसल हम सरकार की मिल्कियत वाली कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिन्हें सब्सिडी मिलती है। हमारे प्रतिद्वंदी सरकारी नुमाइंदे हैं जो हमसे सिर्फ इस बाजार में ही नहीं बल्कि हमारी दिलचस्पी वाली संपत्तियां खरीदकर वैश्विक स्तर पर भी हमसे होड़ करते हैं। और बौद्धिक संपदा का डर लगातार बना रहता है। पश्चिमी कंपनियों को चीन में पैर जमाने के लिए अक्सर अपनी समकक्ष चीनी कंपनियों से गठजोड़ करना होता है। इससे उनकी तकनीक चोरी होने या किसी और को मिलने का डर पैदा हो जाता है। महामारी ने नई चिंताएं पैदा की हैं। शुरुआत में चिकित्सा उपकरणों में आई कमी ने दिखा दिया कि जर्मनी चीन से होने वाली आपूर्ति पर कितनी बुरी तरह निर्भर है। और शी जिनपिंग की आक्रामक कूटनीति से भी पश्चिमी कारोबारी समुदाय का भरोसा दरक रहा है। मैं साझेदारों और कंपनियों के राजनीतिकरण से बहुत निराश हूँ। ये सजा देने जैसा है। आपको पता है कि अगर अभी चेक रिपब्लिक के सांसद ताइवान या ताइपे चले जाएं, तो अचानक चेक रिपब्लिक के उत्पाद चीन पहुंचने बंद हो जाएंगे। ऐसी तंगदिली से मुझे बहुत चिढ़ होती है। इससे ये संकेत नहीं मिलता कि चीन मतभेदों से बहुत आसानी से निपट सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। जर्मन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा डर शायद दूरगामी चीजों को लेकर है कि चीन कार और भारी मशीनों जैसे जर्मनी के परंपरागत गढ़ में उसे पछाड़ देगा। चीन के मशीन निर्माता तेजी से खुद को दुनिया के शीर्ष मशीन निर्माताओं के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 70 से ज्यादा बरसों से जर्मनी का दबदबा रहा है। चीन अब कभी भी जर्मनी को इसके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में पीछे छोड़ सकता है। अंगेला मार्कल ने अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में यूरोपीय संघ और चीन के बीच एक निवेश डील का समझौता करके इनमें से कुछ समस्याएं निपटाने का प्रयास किया। इस सौदे का मकसद कम से कम कुछ यूरोपीय कंपनियों को चीन में व्यापार करने में मदद करना है। इस सौदे को यूरोपीय संसद में मंजूरी मिलनी बाकी थी, लेकिन ऐसा होने से पहले मानवाधिकारों पर हुए टकराव ने इस पर पानी फेर दिया। शिनजियांग में उत्पीड़न से यूरोप इतना नाराज था कि यूरोपीय संघ ने कुछ चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके जवाब में चीन ने उग्र प्रतिक्रिया देते हुए कई संस्थाओं और यहां तक कि यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। इनमें सबसे प्रमुख जर्मनी की ग्रीन पार्टी के सदस्य राइनहार्ड बुइटेकोफर थे, जो चीन के लिए जिम्मेदार संसदीय प्रतिनिधिमंडल के मुखिया हैं। मेरे ख्याल से चीन का आकलन था कि वो प्रतिबंधों से हमें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ। मुझे वाकई लगता है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यूरोपीय संसद में हमारा संकल्प आत्मविश्वास से चलने और अपने मूल्यों की रक्षा करना है, जैसे मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून का राज और बहुलवाद, और ये संकल्प और मजबूत ही हुआ है। जब यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों पर प्रतिबंध लगा तो संसद ने चीन के साथ सौदे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यही कहना सबसे सही होगा कि समझौता ठंडे बस्ते में है। मुझे अगले 7 साल तक तो इस पर बात होती नहीं दिख रही है। इसने बताया कि चीन से कारोबारी रिश्ते रखना और साथ ही मानवाधिकारों पर इसे चुनौती देना कितना मुश्किल हो गया है। और हुआवे के किस्से ने दिखाया कि जर्मनी चीन से निपटने में किस आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। पश्चिम में कई सरकारों के सामने ये सवाल था कि क्या चीन की दिग्गज टेक कंपनी को भविष्य का 5G मोबाइल नेटवर्क बनाने देना चाहिए? क्या चीनी सरकार की मातहत एक कंपनी का ये बेहद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ठीक होगा? निश्चित तौर से एक बड़ा फैसला। अंगेला मार्कल की सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई।
व्यापार मंत्रालय पूरी तरह इसके पक्ष में था। इसने कहा कि हुआवे के पास बढ़िया तकनीक और सही कीमत है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि ठहरो, हुआवे चीनी सरकार के बहुत करीब है। एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सुरक्षित नहीं होगा। गृह मंत्रालय का भी अपना एक पक्ष था और जर्मनी की टैक्स सुरक्षा संस्था की भी राय थी, और यहाँ चांसलर के दफ्तर में सब इस पर माथापच्ची करते रहे। चीन को अलग थलग करने के डर से चांसलर दफ्तर में फैसला लेने से बचने की प्रवृत्ति थी, कोई स्पष्ट फैसला ना लेने की प्रवृत्ति। हुआवे के मुद्दे पर ये सभी विभाग गेंद एक दूसरे के पाले में डालते रहे। आखिरकार संसद ने एक कानून पारित किया जिससे एक फैसले की रूपरेखा तैयार हुई। तो एक बार इसे आसान भाषा में समझते हैं। हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने दिया जाए या नहीं, ये कैसे तय करना है, यही तय करने में जर्मनी ने कई साल लगा दिए। जब मर्केल युग समाप्त हुआ तो उनके आलोचकों के लिए ये दौर ऐसी रणनीति का प्रतीक था जिसमें कोई जोश ही नहीं बचा था। मेरे ख्याल से मर्केल शी जिनपिंग के नेतृत्व में बदलते चीन से तालमेल नहीं बिठा पाईं। मुझे लगता है कि वो व्यापक रणनीतिक फायदों के बजाय छोटी अवधि के आर्थिक फायदों को तवज्जो देती रहीं। मुझे उनके रुख में जर्मन और यूरोपीय कमजोरी का एहसास भी नजर आता है। दूसरे शब्दों में कहूं, तो नीतिगत फैसले लेने के लिए मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने के प्रति एक अनिच्छा थी, जैसे 5G का फैसला जो चीन को अलग थलग या नाराज कर सकता था, भले ही ये रणनीतिक रूप से जर्मनी के हित में था। तो अब क्या जर्मनी चीन से निपटने का कोई नया तरीका खोज सकता है? इसका जवाब बर्लिन के केंद्र में शख्सियतों के संघर्ष में मिल सकता है। शहर में एक नई टीम आई है, एक तीन तरफा गठबंधन हुआ है जिसमें ग्रीन्स से लेकर सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स और फ्री मार्केट की वकालत करने वाले लिबरल्स तक शामिल हैं। इनका यही संदेश है कि वो चीजें अलग तरह से करना चाहते हैं। ये चीन को लेकर एक नई रणनीति बनाना चाहते हैं और इन पर नतीजे देने का दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे व्यवस्थाओं के संघर्ष का दौर करार दे रहे हैं। वो अपने लोकतांत्रिक सहयोगियों से चीन और अन्य निरंकुश ताकतों के खिलाफ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। ये ऐसा विचार है जिससे बेल्जियम में कई लोग सहमत हैं। चीन न सिर्फ विकसित हो रहा है बल्कि धीरे धीरे निरंकुश शासन का प्रसार भी कर रहा है। ये लोकतंत्र और मानवाधिकारों में हमारे भरोसे के खिलाफ है। यूरोपीय संघ के आधिकारिक दस्तावेज इस विचार को स्वीकार करते हैं। इनमें चीन से संबंधों के तीन पहलू दर्ज हैं: साझेदारी, प्रतिस्पर्धा और संस्थागत मुकाबला। इसके गहरे निहितार्थ हैं। संस्थागत मुकाबले का यही आधार हमें जर्मनी की नई सरकार बनाने के लिए हुए गठबंधन समझौते में भी नजर आता है। ये दस्तावेज चीन के साथ दिक्कतों पर खुलकर बात करता है। ये ताइवान का जिक्र करने और इसके लोकतंत्र के हक में आवाज उठाने वाला पहला दस्तावेज है। इसमें दक्षिण चीन सागर, हांगकांग के दर्जे, शिनजियांग में मानवाधिकार हनन और प्रतिस्पर्धा के निष्पक्ष नियमों का भी उल्लेख है। तो हमने जिन भी मुद्दों की बात की, नए गठबंधन ने उसका संज्ञान लिया। तो क्या चीन के प्रति जर्मनी का रुख बदलने जा रहा है? शायद इतनी जल्दी नहीं। नीति एक चीज है, हमें इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार लोगों को करीब से समझने की जरूरत है। सबसे पहले चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स, वो सोशल डेमोक्रेट हैं। ये हैं विदेश मंत्री अनालेना बेरबॉक, ग्रीन पार्टी से। ये अलग पार्टियों और अलग पीढ़ियों से हैं। चीन के मामले में इनका इतिहास बहुत अलग है। हैम्बर्ग याद है, जर्मनी के चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों का केंद्र। ये ओलाफ शॉल्ट्स का शहर है। बीते दशक के ज्यादातर वक्त वो इसके मेयर थे जब चीन के साथ कारोबार ने इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। विदेश नीति के बहस में उन्होंने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को चीन से पूरी तरह अलग करने का विचार सिरे से खारिज कर दिया था।
एक बात मैं आमने सामने पूरी मजबूती से कहता हूँ, मैं अलगाव की उन कल्पनाओं के सख्त खिलाफ हूँ कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन को खुद में सिमटे रहना चाहिए और सबको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए। ये बड़ा कदम है कि हमारे पास वैश्विक अर्थव्यवस्था है। मसला ये है कि शॉल्ट्स ने जिस समूचे अलगाव की बात की उसकी कोई गंभीरता से वकालत कर भी नहीं रहा है। ऐसे में शॉल्ट्स के इस भाषण को इस संकेत के रूप में लिया गया कि दरअसल वो यथास्थिति ही चाहते हैं। ओलाफ शॉल्ट्स निरंतरता से पक्षधर हैं। मुझे लगता है कि चीन के प्रति उनके विचार 7 साल हैम्बर्ग के मेयर रहने के दौरान पुख्ता हुए हैं। अच्छा, तो ग्रीन पार्टी की विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक का क्या? अपनी पार्टी की तरह वो भी काफी अलग हैं। वो हमेशा मानवाधिकारों को प्राथमिकता देती आई हैं। उनके मुताबिक इसमें वाकई उनका भरोसा है। विदेश नीति पर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मानवाधिकारों को लेकर सिर्फ मीठी मीठी बातें करते रहें और आर्थिक फायदे की राह पर बढ़ते जाएं, लेकिन जब वाकई कुछ करने की बारी आए तो आप कुछ न करें। अनालेना बेयरबॉक चीन के मुद्दे पर सख्ती से बातचीत करने की बात कहती हैं। उन्होंने जर्मनी के रुख में बदलाव की अपील की है, यानी मानवाधिकारों पर ज्यादा मुखर होना और चीन पर आर्थिक निर्भरता घटाना। अच्छा, तो हमारे पास देश के एक मुखिया हैं जो यथास्थिति बदलना नहीं चाहते हैं, और एक विदेश मंत्री हैं जो कड़ा रुख अपनाना चाहती हैं, और बीच में एक उदार वित्त मंत्री भी हैं जो मानवाधिकार समर्थक तो हैं लेकिन व्यापारिक समुदाय के करीबी भी हैं। तो ये बड़ा पेचीदा हो सकता है। आपको वो सारे मंत्रालय याद हैं जो हुआवे पर सहमत नहीं हो पाए थे, क्या इस नई सरकार में भी वही हाल हो सकता है? इस सरकार में हमें चीन के प्रति उलझे बिखरे से संकेत देखने को मिल सकते हैं। नई सरकार में एक बात तो साफ है, इसके मुताबिक ये चाहती है कि चीन को लेकर इसकी रणनीति यूरोपीय संघ से मेल खाए और दोनों नीतियां अमेरिका से तालमेल में हों। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था। अब यूरोपीय नेताओं को आगे आकर अमेरिका के साथ समन्वय में एक साझी रणनीति बनाने का वक्त है। इसमें जर्मनी चीन के सामने अमेरिका के साथ एकजुट हो सकता है। इससे समान अवसरों की क्षमता विकसित होगी ताकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर समान नियमों का पालन करने का जोर डाला जा सके। लेकिन यूरोपीय संघ के लिए एक सुर में बात करना बहुत जटिल है। क्या ये वाकई कारगर होगा? ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे 27 सदस्य देश हैं। इसमें हमेशा स्वीडन और लिथुआनिया जैसे देशों से पाला पड़ता है जो हंगरी या ग्रीस के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त हैं। तो लोकतांत्रिक द्वंद्व और विभाजन की इतनी संभावना का क्या ये मतलब है कि कुछ नहीं बदलेगा? तो क्या जर्मनी की अर्थव्यवस्था के चीन से और गुथने के साथ क्या हैम्बर्ग ही आगे की राह तय करता रहेगा? बड़े व्यापार जोर देते हैं कि चीनी बाजार इतना बड़ा और अहम है कि इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वैश्विक कार बाजार का आधा विस्तार यहाँ हो रहा है। रसायनों में वैश्विक वृद्धि का 60% यही है, तो जहाँ विकास हो रहा है आपको भी वहीं रहना होगा। और आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी चीन के सहयोग की जरूरत होगी। फिर भी मतदान के मुताबिक आम जर्मन लोग चीन के खिलाफ सख्त होते जा रहे हैं। वहीं संसद बुंडेस्टाग में भी पश्चिमी देशों के रुझान के मुताबिक मूड बदल रहा है। ये भविष्य में विच्छेद नहीं, लेकिन कम से कम विविधता के पक्ष में सियासी बहस की गुंजाइश बढ़ा सकता है ताकि हर कोई चीन के पाले में ही ना रहे। बुंडेस्टाग के अंदर से जर्मनी की आबादी से और यूरोप के बाहर जर्मनी के सहयोगियों की ओर से दबाव बढ़ेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जर्मनी पर कड़ा रुख अपनाने और अपना सुर बदलने के लिए जोर डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि जर्मनी मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा बोले, चीन के अपने आर्थिक रिश्तों पर पुनर्विचार करे, अपनी निर्भरता घटाए और ज्यादा लचीला बने। लेकिन चीन का क्या, वो क्या चाहता है? वहाँ भी बदलाव हो रहे हैं।
शी जिनपिंग चीन का आर्थिक मॉडल बदलते हुए इसका रुख घरेलू मुद्दों की ओर मोड़ रहे हैं और सरकार का नियंत्रण बढ़ रहा है। ये असली अलगाव साबित हो सकता है जिसकी चतुर योजना अमेरिका या जर्मनी नहीं बल्कि चीन में तैयार होगी। इसका बहुत खतरा है। वाकई पहले तो चीन ने इंटरनेट को लेकर खुद को अलग करना शुरू कर दिया, इसके बाद कोरोना आ गया। अब हम एक और अंतर्मुखी चीन देख रहे हैं जो अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नियंत्रण कस रहा है। आप G20 में देख सकते हैं कि 19 नेता तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक गायब है वो है चीन। और मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि चीन कितना संकुचित हो गया है। और निश्चित तौर पर जैसे ही आप खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं तो संकुचित बर्ताव संकीर्ण सोच में बदलने लगता है। ये हैरान करने वाला विरोधाभास है कि एक तरफ घरेलू स्तर पर संकुचित हो रहा चीन वैश्विक स्तर पर और महत्वाकांक्षी हो रहा है। ये अपनी समझ से दुनिया में अपनी वाजिब जगह अपनी शर्तों पर हासिल करने को प्रतिबद्ध है। चीन की विदेश नीति की सोच में इसका लंबा इतिहास और रणनीतिक अतीत भी एक अहम हिस्सा है। ये जर्मनी को असहज करने वाले फैसले लेने को मजबूर करेगा। तो इस समय जर्मनी के नेताओं को सबसे ज्यादा जरूरत अपने मतदाताओं यानी जनता के साथ ईमानदार होने की है, क्योंकि एक कारगर रणनीति या एक मजबूत जगह जिसे समाज में व्यापक रूप से स्वीकृति मिले, इसे बनाने में समाज को कुछ समझना होगा। इसके लिए समाज को चीन से पैदा होने वाले विभिन्न खतरे या विभिन्न रणनीतियाँ और कम से कम प्रतिस्पर्धी ऊर्जाओं को समझना होगा। तो चीन ने पश्चिम के सामने जो चुनौती पेश की है वो है लोकतंत्र की परीक्षा, और क्या फैसले लेने के धीमे और पेचीदा तंत्र में कोई कारगर रणनीति बन सकती है? इसका जवाब जानने के लिए आपको अगले कुछ वर्षों तक जर्मनी पर निगाह रखनी होगी। जर्मनी का बहुत कुछ दांव पर है और ये विफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता।